नमस्कार, एमकेएन न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चुनाव के गुणा गणित समझने के लिए आपको चुनाव को चुनाव की ही नजरों से देखना होता है, तभी आप जान पाएंगे कि मैनपुरी उपचुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। चुनाव के गुणा गणित में नेता एक दूसरे को माइनस प्लस और प्लस और माइनस करते रहते हैं, लेकिन जब बराबरी की बात आती है तो नेता प्लस हो जाते हैं और जनता माइनस हो जाती है। अब मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अखाड़ा सज चुका है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला भेदने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा अपनी विरासत को बचाने की तैयारियों में जुटी है। लेकिन देखना होगा कि चुनावी गणित के हिसाब से सपा का पलड़ा बीजेपी पर भारी होता है या फिर बीजेपी का पलड़ा सपा पर भारी होता है, क्योंकि यह प्रश्न दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा का है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के चुनाव के लिए चुनावी अखाड़ा सज गया है। लगातार 27 वर्षों से मैनपुरी जिला समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत और अभेद किला माना जाता है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। हालांकि साल 1952 से लेकर बारी बारी कांग्रेस इस सीट पर चुनावी पारी खेलती रही है, लेकिन साल 1952 में सपा का गठबंधन होने के बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस सीट के बेताज बादशाह रहे हैं। अब उनका निधन हो जाने के बाद इस सीट पर फिर से चुनावी अखाड़ा सज गया है और चुनाव का बिगुल बज गया है। अब अपने ससुर की विरासत को बदस्तूर जारी रखने के लिए उनकी पुत्र वधु डिंपल यादव अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 14 नवंबर को डिंपल यादव ने सीट के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या डिंपल अपने ससुर की विरासत को बचाने में सफल रहेंगी या फिर इस बार पहली बार मैनपुरी में खिलेगा कमल। हालांकि इसके पहले भी डिंपल यादव दो बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। डिंपल यादव पहली बार 2012 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बनी थी। इसके बाद 2014 की मोदी लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचाई और कन्नौज से दूसरी बार सांसद चुनी गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि डिंपल यादव की यह दूसरी हार थी। इसके पहले 2009 में भी उन्होंने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने कांग्रेस के नेता राज बब्बर से चुनाव हारा था। लेकिन 2012 के लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध सांसद बनी थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट बेहद खास है। ये वो सीट है जो यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी इस सीट पर उनका ही जादू चल पाया। 2014 और 2019 में मैनपुरी से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को ही जीत हासिल हुई। बीच में आजमगढ़ के लिए मैनपुरी छोड़ देने के बाद भी उनके भतीजे तेज प्रताप यादव ने उपचुनाव जीता था। अब उनके निधन के बाद बीजेपी पूरे दमखम से यहां पर कमल खिलाने की कोशिश में लग गई है। आइए एक नजर डालते हैं मैनपुरी सीट पर वोटों की गणित पर। 2014 के आंकड़े देखें तो मैनपुरी लोकसभा सीट में लगभग 17.3 लाख वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा वोटर यादव जाति के हैं। आंकड़ों के मुताबिक कुल वोटरों में 35% वोट यादव के हैं। वहीं दूसरे नंबर पर यहां राजपूत, चौहान, राठौर और भदौरिया हैं। ये कुल वोटरों का 29% है। इसके बाद यहाँ शाक्य, ब्राह्मण, SC और मुस्लिम वोटर्स हैं। मैनपुरी संसदीय सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर शामिल हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं और उन्होंने SP से अलग होने के बाद भी अपने भाई की जीत के लिए उन्हें हर तरह से समर्थन देने का ऐलान किया है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट भोगांव में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बाकी 4 सीटों पर SP के प्रत्याशी ही जीते थे। इस उपचुनाव का महत्व विशेष तौर पर इसलिए बढ़ा हुआ है, लोकसभा चुनाव में
अकेले उत्तर प्रदेश 80 सांसद बनाता है, जो देश की सरकार बनाने में एक बड़ा आंकड़ा होता है। 2024 लोकसभा चुनाव से महज 14 महीने पहले इस चुनाव के परिणामों का सभी राजनीतिक खिलाड़ियों को शिद्दत से इंतजार है। वकास वारसी, चैनल स्ट्रीट हेड, उत्तर प्रदेश की विशेष रिपोर्ट।